हेलो नमस्कार दोस्तों, टैग चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गूगल पे की यूपीआई आईडी कैसे चेंज करें। जो चैनल पर नए आए हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको चैनल पर सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलो ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में देखना है गूगल पे कहाँ है। गूगल पे के बाद आपको यहाँ पे अपने आइकन पर सर्च करना है। आइकन पर सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में जाना है। यहाँ पे इस ओके करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, फॉरगेट यूपीआई पिन। आपको यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल डालनी है जो आपके कार्ड में है। मैं आपको डालकर बताता हूँ, फिर करता हूँ। आपको ओके कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो अपने आप इसको ले लेगा आपको सही के निशान पे। अब आप यहाँ पर न्यू यूपीआई आईडी बना सकते हैं, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको फिर दोबारा से आपको फिर यही करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर आपको यहाँ पे फिर एक बार ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी है वो चेंज हो जाएगी। और आपने जो ये 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6 जो बनाई है, अब यही जब आप किसी को पैसे डालेंगे तो आपको यही आईडी डालनी पड़ेगी। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहले किसी को पैसे डाले थे, ये है, ये कोई बंदा है, तो इसको मैंने 1 रुपया पहले सेंड किया था। और यहाँ पे मैं पहले अपनी आईडी जो है थी वो डालता था, लेकिन अब वो आईडी काम नहीं करेगी। अब जो मैंने आपको दिखाया है वही आपको डालनी होगी, 1 2 3 4 5 6 यही डालनी पड़ेगी। जैसे देखो मेरी पहले ही आईडी थी, मैं इससे डालता था, अब ये क्या बताएगा, नहीं जा रहा, ये बोल रहा है रिसेट उपाय पिन। अब मैं आपको उसी दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर करूँगा 1 रुपया, अब मैं आपको वही दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। यहाँ पे आपको 6 अंकों 1 2 3 4 5 6 डालना है ना, तो फिर आपको दो यहाँ पे सही के निशान पे ओके करना है। देखो आप बिल्कुल काम कर रही है क्या, देखो अब आपको यकीन हो गया दोस्तों। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए टैक चैंपियन किंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।